आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि गिरगिट ही रंग बदलने में माहिर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में एक ऐसी मछली भी है जो गिरगिट की तरह ही रंग बदल सकती है। हालांकि यह मछली दुर्लभ है, लेकिन हाल ही में यह भारतीय जल स्रोत में पाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मछली की खोज भारत में पहली बार की गई है। सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इसे मन्नार की खाड़ी में खोजा है। इस दुर्लभ मछली का नाम है स्कॉर्पिन फिश। सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर जया भास्करन ने बताया, जब हमने पहली बार इसे देखा तो वह घास में छिपी हुई थी। पता ही नहीं चल रहा था कि वह कोई मछली है या कोई पत्थर है, लेकिन 4 सेकंड बाद जब उसने अपने शरीर का रंग बदल कर काला कर लिया, तब समझ में आया कि यह दुर्लभ स्कॉर्पियन फिश है। स्कॉर्पियन फिश शिकार करते समय या शिकारियों से बचाव के समय अपना रंग बदलती हैं। रंग बदलने में माहिर यह मछली बेहद जहरीली भी है। इसकी रीढ़ की हड्डी में जहर भरा हुआ रहता है। इसे पकड़ने के लिए बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो यह पल भर में जहर उड़ेल देगी। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो अगर इंसान के शरीर में चला जाए तो भयानक दर्द देता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र की गहराई में रहने वाली स्कॉर्पियन फिश रात में शिकार करती है। वह एक जगह दुबक कर पहले शिकार के पास आने का इंतजार करती है और पास आते ही उस पर तेजी से हमला कर देती है और झपट कर उसे खा जाती है। डॉक्टर जया भास्करन के मुताबिक इस दुर्लभ मछली को नेशनल मरीन बायोडाइवर्सिटी म्यूजियम में भेजा गया ताकि इसके बारे में गहन अध्ययन किया जा सके। इस मछली के बारे में साइंटिफिक रिपोर्ट जनरल करंट साइंस में प्रकाशित हुई है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।